एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सबों का हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है कंपटीशन चुटकी में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि SSC MTS 2017 का एग्जाम चल रहा है, तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 20th सितंबर को जो SSC MTS का एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो भी GK के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो देख सकते हैं वो है द डिस्टेंस ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी इज गिवन बाय। इसमें पूछा गया था कि फ्री फॉलिंग बॉडी जो होता है, मतलब फ्री फॉलिंग, आप लोग अगर नहीं समझते हो तो मैं बता दूं कि फ्री फॉलिंग उन गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स को फ्री फॉलिंग में कहा जाता है जो बस एक्सेलरेशन, मतलब ग्रेविटी जो होता है, अर्थ का ग्रेविटी जो है उसके इन्फ्लुएंस में बस गिरते रहते हैं, उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, तो उन्हें फ्री फॉल में बोला जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप छत पे गए, आपके हाथ में एक गेंद है, एक बॉल है, आपने छत पे से वो बॉल नीचे फेंका, आपने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, कोई दबाव नहीं दिया, कोई फोर्स नहीं लगाया और आराम से उसे ऐसे ऊपर से छोड़ दिया, तो आप जो उस गेंद को छोड़ेंगे वो बॉल नीचे की ओर गिरने लगेगा और वो बॉल जो होगा उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, ना आपने फोर्स लगाया, तो वो जो गिरेगा वो बस ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिरेगा, मतलब धरती का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके इन्फ्लुएंस में, उसके इफेक्ट में बस गिरेगा। तो वो जितने भी स्पीड से वहां नीचे गिरेगा, जितना भी टाइम उसको लगेगा नीचे गिरने में, वो सब जो है वो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, वो आपके, क्योंकि आपने कोई फोर्स नहीं लगाया, ना ही बाहर से कोई फोर्स लग रहा है उस पे, इसलिए जो है वो पूरी तरह से ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। इसलिए फ्री फॉलिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ पूछा गया डिस्टेंस ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी इज गिवन बाय, तो 10th तक ही हमने ये पढ़ा था, 9th क्लास में ही हमें मोशन पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था कि फ्री फॉलिंग जो है उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला जो होगा वो होगा S=UT+ ½AT². तो S=UT+ ½AT² होता है, इसे आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, तो अच्छा एक मिनट मैं आपको बता दूं कि S=UT+ ½AT² जो मैंने आपको इक्वेशन दिया तो उसमें जो सिंबल्स है वो किसे इंडिकेट करते हैं, तो S जो वहां होता है वो डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, जनरली डिस्प्लेसमेंट को करता है, बट यहाँ आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं उसे, और U जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से आपने वहां फेंका है, या फिर अगर ऊपर से फेंका है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, और टी जो है वो टाइम को डिनोट करता है, कितने टाइम में वो बॉल जो है वो नीचे गिर चुका है। फिर ए जो वहां पे है हाफ ए टी स्क्वायर, ए जो है वो जनरली एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, और यहाँ जो एक्सेलरेशन होता है फ्री फॉल में वो ग्रेविटी होता है, तो A=G होता है, और टी तो मैंने आपको बता ही दिया। तो आप इस फॉर्मूले से फ्री फॉलिंग बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। दूसरा क्वेश्चन है प्लांट विथ ब्रांचेस ग्रो मच अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड। तो इसमें पूछा गया है कि वैसे प्लांट्स जिनके ब्रांच जो हैं तने वो जमीन से काफी ऊपर उगते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है। तो मुझे ये क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, तो मैं बता दूं कि जनरली इसका आंसर जो होता है वो होता है एरियल प्लांट्स। तो एरियल प्लांट्स जो होते हैं उनके ब्रांचेस काफी ऊपर जमीन से उगते हैं, उनके तने जो होते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे थे, तो आंसर या तो एरियल प्लांट्स होगा या फिर उसी से रिलेटेड कुछ दूसरे प्लांट्स जो होते हैं वही होगा, तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टीम आर कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि वैसे प्लांट्स जिनके स्टेम जो होते हैं वो हरे होते हैं और टेंडर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो मैं बता दूं आपको कि इसका उत्तर जो होगा वो होगा हर्ब्स। जी हाँ, हर्ब जो एक हर्बेसियस प्लांट के स्पेसी में आता है हर्ब्स, जो हमने बचपन में हर्ब्स पढ़ा था, तो वही हर्ब्स जो होते हैं उन्हीं के जो तने होते हैं वो ग्रीन होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लंग इज इनक्लोज्ड इन विच मेम्ब्रेन। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लंग जो है वो किस मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है। तो इसका उत्तर जो होगा
वो होगा प्लीयूरा। जी हाँ, विस्सेरल प्लीयूरा एक मेम्ब्रेन है जिससे दोनों लंग जो होते हैं वो इंक्लोज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, विस्सेरल प्लीयूरा जो है वो एक डबल लेयर्ड सेरस मेम्ब्रेन है, मतलब दो लेयर का एक मेम्ब्रेन है वो, और उसी से जो है दोनों लंग्स जो है इंक्लोज है। तो ध्यान रखिएगा कि लंग इज इंक्लोज्ड बाय विस्सेरल प्लीयूरा मेम्ब्रेन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेबरिंग कंट्री इज नॉट लैंड लॉक्ड। इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं, इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, उनमें से कौन जो है वो लैंड लॉक्ड नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा कंट्री है जो चारों तरफ से लैंड से नहीं घिरा है। लैंड लॉक, जैसा कि आप सब से समझ सकते हैं कि लैंड से लॉक मतलब चारों ओर से जिसके लैंड नहीं है। तो वैसे तो इंडिया के नेबरिंग में से तीन कंट्री हैं, तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में उन तीनों में से किन का नाम दिया गया था। तो मैं आपको वो तीन कंट्रीज के नाम बता दूं। एक तो श्रीलंका है, श्रीलंका सबसे क्लियर है, इसलिए हो सकता है श्रीलंका ही ऑप्शन में, क्योंकि आप देख सकते हैं श्रीलंका जो है वो चारों ओर से ओशियन से घिरा है। नीचे मतलब आप देख सकते हैं वो इंडियन ओशियन में ही है, एक टाइप से बीच में इंडियन ओशियन ही है। फिर एक पाकिस्तान जो है वो भी लैंडलॉक्ड पूरी तरह से नहीं है, उसके साउथ में, उसका साउथ मोस्ट पार्ट जो देखें तो वो भी सी पार्ट, मतलब सी के ओरिजिन से वहाँ सी सोर्सेस हैं। फिर इधर हम अगर ईस्ट में देखें, इंडिया के ईस्ट में, तो उधर एक म्यांमार है कंट्री, वो भी पूरी तरह से लैंडलॉक्ड नहीं है, उसके भी साउथ में बे ऑफ बंगाल है। तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है जो लैंडलॉक्ड नहीं है वो पाकिस्तान है और श्रीलंका है और म्यांमार है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कौन से इन तीनों में से दिए गए थे, मेंशन थे, वही आंसर होगा। तो इन तीनों में से जो भी था वही सही आंसर होगा। तो चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए थे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। हमने सारे क्वेश्चन के सही उत्तर के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी है, सबके बारे में बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनधन योजना स्टार्टेड इन विच ईयर। तो अगर आप हमारे वीडियो से अपडेटेड होंगे, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होगी, तो आपको पता होगा कि हमने हर वीडियो में ये बात कही थी, सारे वीडियोस में बोला था कि जितने भी क्वेश्चंस हर शिफ्ट में मैंने देखे, क्योंकि कि हर शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन प्रधानमंत्री के योजना से आ रहा था। तो मैंने सबको पहले से ही बता रखा था, जिन्होंने हमारी वीडियोज देखी होंगी उन्हें पता होगा कि आप प्रधानमंत्री का कार्यकाल जब से शुरू हुआ है उसके बाद से उन्होंने जितने योजनाओं को लॉन्च किया उसके बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लें, कब लॉन्च किया ये डेट देख लें। और देखिए आज भी एक क्वेश्चन इसी से आया है, तो ये आपको काफी फायदेमंद हो सकता है अगर आप हमारे वीडियो से अपडेटेड रहें। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि जनधन योजना जो है वो किस साल जो शुरू किया गया था, तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा 2014 में। जी हाँ, प्रधानमंत्री के द्वारा 2014 में ये लॉन्च किया गया था, और इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे वो भी एक खास आदमी थे, मतलब उनका भी रोल था इसमें। और ये 28 अगस्त 2014 को ये जो जनधन योजना है वो लॉन्च किया गया था। तो इसमें मतलब सब इसका जो मोटिव था वो था कि जितने भी लोग हैं इंडिया में सबके पास एक बैंक अकाउंट हो, चाहे वो गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, सबके पास एक बैंक अकाउंट हो। और ये ऐसा अकाउंट है बैंक अकाउंट जो जीरो बैलेंस पे भी रह सकता है, इसलिए ये बहुत ही चर्चित योजना और बहुत ही अच्छी योजना थी प्रधानमंत्री के द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर देखें, तो अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ माई लाइफ माई कंट्री। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि माई लाइफ माई कंट्री जो एक बुक है उसका ऑथर कौन है। तो मैं आपका इसका उत्तर बता दूं, इसका उत्तर जो है वो है एलके आडवाणी। जी हाँ, माई लाइफ माई कंट्री जो बुक था वो एलके आडवाणी के द्वारा लिखा गया था। एलके आडवाणी, मैं आपको बता दूं, वो लाल कृष्ण आडवाणी। तो मैंने यहाँ आप लोगों के अच्छे नॉलेज के लिए गूगल से एक इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रख के करके यहाँ पे पेस्ट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ माई कंट्री माई लाइफ जो बुक था वो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा लिखा गया था, काफी जो बीजेपी के काफी प्रसिद्ध नेता और काफी सीनियर एक लीडर रह चुके हैं। तो यहाँ आप इसके बारे में देख सकते हैं, माई कंट्री माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफिकल बुक बाय एलके आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, एन इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्वड एज द डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 से 2004। तो 2002 से 2004 तक वो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहते हैं।
एंड वॉज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द 15th लोकसभा, और 15th लोकसभा जो इलेक्शन हुआ था उसमें अपोजिशन के लीडर भी रह चुके हैं। तो ये पब्लिश हुआ था 19 मार्च 2008 को और ऑथर एल के आडवाणी जी थे जैसा कि मैंने बताया। और ये लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में पब्लिश हुआ वो इंग्लिश था, इंडिया के हैं ये तो आपको मैंने बता ही दिया। और ये कितने पृष्ठों का है तो वो मैं बता दूं कि 1040 पृष्ठों का है। अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ देख सकते हैं वो है बसेल कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, जिसमें पूछा गया बसेल कन्वेंशन जो था वो किस चीज से रिलेटेड था। तो मैं आपको बता दूं कि बसेल कन्वेंशन जो है वो मतलब एक उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को टॉक्सिक वेस्ट जितने होते हैं हजार्डस जो होते हैं लाइफ के लिए उन सब से प्रोटेक्ट करना था। तो ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार का आया था। तो मैंने आपको जो है इसका ऑब्जेक्टिव बता दिया कि इसका ऑब्जेक्टिव एक्चुअली में था क्या। तो यही था कि कैसे जो रेडियो एक्टिव या फिर जितने भी टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उनसे कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये जो बसेल कन्वेंशन है वो 22 मार्च 1989 को ये अडॉप्ट किया गया था ये कन्वेंशन, और ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया। तो डिपेंड करता है कैसे ऑप्शंस आए थे उसी के हिसाब से इसके आंसर होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। इसमें पूछा गया कि एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट जिसे हम कहते हैं वो क्या है। तो एक्सेलरेशन आप लोगों को पता होगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक पार्टिकुलर टाइम में कितना वेलोसिटी में चेंज आया है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। वी माइनस यू बाई टी इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें आपसे पूछा गया कि एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट जैसा कि मैंने आपको बताया वी माइनस यू बाई टी, तो इसमें वेलोसिटी बाय टाइम का जो डायमेंशन होता है वही होगा। तो वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड होता है और टाइम का सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड बाय सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फिजिक्स में ही 10th 9th में ये सब पढ़ा था मोशन में। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है सबरीमाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। इसमें पूछा गया है कि सबरीमाला टेम्पल जो है वो किस स्टेट में लोकेटेड है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा केरला। जी हाँ, केरला जो स्टेट है साउथ में, वहीं पे सबरीमाला टेम्पल जो है वो लोकेटेड है। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में और अच्छी से इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबरीमाला इज अ हिंदू पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड एट द पेरियार टाइगर रिजर्व इन द वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस ऑफ पथानमिथा डिस्ट्रिक्ट पेरुनाडगामा पंचायत इन केरला। तो ये जो एक सबरीमाला जो टेम्पल है वो एक हिंदू पिलग्रिमेज टेम्पल है, हिंदू से रिलेटेड ये एक टेम्पल है। और इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एनुअल पिलग्रिमेज इन द वर्ल्ड विथ एन एस्टिमेटेड ओवर 100 मिलियन डिवोटीज विजिटिंग एवरी ईयर। मतलब ये जो एक लार्जेस्ट जहाँ पे सबसे ज्यादा विजिट करने जाते हैं डिवोटीज, जो डिवोटीज होते हैं भक्त, वो सबसे ज्यादा जाते हैं एक साल में। इसके लिए इसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, लगभग 100 मिलियन भक्त जाते हैं हर साल। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस उसके सही ऑप्शन के साथ मैं आपको उनके बारे में नॉलेज भी अच्छी दें ताकि आपको ये आगे भी काम आए, क्योंकि मार्क्स तो आते आते रहते हैं। आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए, जो हमारा मेन मोटिव है वो है कि आपको अच्छे से अच्छे नॉलेज से हम अवगत कराएं, और मार्क्स के साथ साथ आप अच्छे नॉलेज का भी आपको ज्ञान हो। फिर अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ देख सकते हैं वो है विच इमेजिनरी लाइन कट्स अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये मैं बता दूँ इसका उत्तर जो होगा वो होगा प्राइम मेरिडियन। जिसमें पूछा गया है कि कौन सा इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो है वो एक ऐसा मेरिडियन है जिसका लॉन्गिट्यूड जो है वो 0 डिग्री बताया जाता है। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है वो अर्थ को एक, चूंकि अर्थ एक स्फेरिकल शेप का है तो अर्थ को दो हेमिस्फेयर इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइड बॉल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये मैंने सबसे आसान क्वेश्चन देखा है अभी तक का। वाइड बॉल आप लोग जानते होंगे, बच्चा जानता होगा, क्रिकेट से रिलेटेड है वाइड बॉल। तो इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, वाइड बॉल इज रिलेटेड टू क्रिकेट।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच सेक्टर। तो देखिए, पिछले ही वीडियो में मैंने इस बारे में बात की थी। क्वेश्चन आया था पिछले सीट में कि डेयरी जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो उसी वक्त मैंने ये बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो किस सेक्टर से रिलेटेड है। और आज देखिए, आज के सीट में ये पूछ भी दिया गया है। तो जो हमारे वीडियोस देखते होंगे वो अभी काफ़ी अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे होंगे कि उन्हें ये क्वेश्चन जो है वो पहले से ही पता था। तो एग्रीकल्चर जो है वो किस सेक्टर के अंदर आता है, तो ये मैं बता दूँ इसका उत्तर फिर से कि ये जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, इंक्लूडेड प्राइमरी सेक्टर में। तो जो भी रॉ मटेरियल से जो भी काम होते हैं, जितने भी वर्क्स जो है रॉ मटेरियल से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, वो सभी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हु डिस्कवर्ड रेडियम। तो इसमें पूछा गया है कि रेडियम की डिस्कवरी जो है वो किसने की। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा मैरी क्यूरी और उनके जो हस्बैंड थे पियरे क्यूरी। तो यहाँ से मैंने गूगल से एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखा है। तो आप यहाँ देखिए कि रेडियम जो है वो एक केमिकल एलिमेंट है, और रेडियम इज ए केमिकल एलिमेंट विद सिंबल Ra, और इसका सिंबल जो है वो है Ra, रेडियम को डिनोट करता है, एंड एटॉमिक नंबर 88। ये इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 88। इट इज द सिक्स्थ एलिमेंट इन ग्रुप टू। ग्रुप दो जो है 18 ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने साइंस में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो उसमें से ये जो दूसरे ग्रुप का छवां एलिमेंट है, इसको ऑल्सो नोन एज मतलब अल्कैलिन अर्थ मेटल जो होता है, सेकेंड ग्रुप वाले जितने भी मेटल्स होते हैं वो अल्कैलिन अर्थ मेटल होते हैं, ये भी उसी में से एक अल्कैलिन अर्थ मेटल ही है। और इसका सिंबल Ra है रेडियम, डिस्कवर्ड 1898 ईस्वी में इसकी डिस्कवरी हुई थी, एटॉमिक नंबर 88 मैंने बता दिया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 7s2, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वो 7s2 है। इवन जितने भी सेकेंड अल्कैलिन अर्थ मेटल में इंक्लूडेड होते हैं सबका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 7s2। और इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 226 यूनिट है, 226 यूनिट। और जैसा कि मैंने बताया, इसके डिस्कवरर्स जो है वो मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, दोनों एक हस्बैंड वाइफ थे, तो दोनों ने मिलके इसके दोनों के नाम पे ये डिस्कवरी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसमें पूछा गया है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन वो कौन होते हैं। तो जनरली जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, वही राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। तो डिपेंड करता है कि उन्होंने नाम पूछ रखा था या फिर जो पद पूछ रखा था किन्हें बनाया जाता है। तो जनरली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इंडिया के, उन्हें ही राज्यसभा का चेयरमैन बनाया जाता है। तो अभी एक्स ऑफिसियो जो चेयरमैन थे वो थे हामिद अंसारी, और अभी हाल ही में जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज द प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा 2016। फीफा 2016 जो एनुअली हमेशा प्राइज दिया जाता है, तो उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा 2016 का अवार्ड किस खिलाड़ी को मिला था। तो इसका उत्तर जो होगा वो होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक काफ़ी प्रसिद्ध प्लेयर हैं फुटबॉल जगत के। तो आपने उनका नाम जरूर सुन रखा होगा, उनका और मेसी का नाम तो लगभग सब ने सुन रखा होता है। तो आपने भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम सुना होगा, और उन्हें ही फीफा 2016 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को नीचे यहाँ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल से अपडेटेड रहें, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबसे रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, एनालिसिस देते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सही आंसर देते हैं। तो आप हमारे चैनल से अपडेटेड रहें। यहाँ एक नीचे नोटिफिकेशन का भी बेल होगा सब्सक्रिप्शन बटन के सामने, तो उस पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जो भी वीडियोज हम अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुँच जाए। ये देखना आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले भी सिप्स के वीडियोज बनाए थे तो काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे मैंने किसी टॉपिक की बात की और फिर अगले शिफ्ट में अगले एग्जाम में उसके बारे में पूछ दिया गया है। तो आप हमारे चैनल से बने रहे, ये आपके लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।